कि पहला भी एक पेनशन ही मिलती है, सिर्फ अगे इनक्रीमेंट होंगे ने, इनक्रीमेंट मिलते हैं। कदे भी जे कोई पांच बारी MLA बनया तो उन्होंने पांच पेनशन नहीं मिलती, सिर्फ इनक्रीमेंट मिलते हैं। इन्होंने भगवंत मान ने सिर्फ जो इनक्रीमेंट से इनक्रीज से कुछ परसेंटेज सिर्फ वो बंद की है। पहली गल तो ये आम आदमी पार्टी के लीडर लोगों झूठ बोल के गुमराह करते। दूसरी, हाँ जी, दूसरी गल, श्री अरविंद केजरीवाल जदों दिल्ली के मुख्यमंत्री बने सी, साढ़े को डाटा अवेलेबल है, आम आदमी पार्टी की सैलरी 54,000 रुपए से उस टाइम टोटल अमालूमेंट्स, तो हूँ 90,000 है। पंजाब के नालों हाले भी 10,500 रुपया दिल्ली के MLA की सैलरी बद है। लेकिन दसंबर 2015 असैम्बली के मता पास किया गया कि 2,10,000 रुपया आम आदमी पार्टी के MLA की जी सैलरी है होनी चाहिए है। मैं बिल्कुल ये कहना जो केजरीवाल ने दसंबर 2015 फैसला किया MLA दिया तनखाह बधाने का 2,10,000 रुपया वो होना चाहिए। बेशक यह आम आदमी पार्टी के सिर्फ जिहड़े वो उपर उपर वाले कह लो लोगों नूं शायद यह गल ना जचे, लेकिन मैं पंजाब के लोगों नूं भी कहना चाहना कि एक MLA 24 घंटे तुहाडे कोल अवेलेबल है, उहदे दफ्तर का खर्चा ही इन्ना ज़्यादा हो जाता है, 54,000 नाल 60,000 नाल 80,000 नाल गुजारा नहीं हो सकता, उन्हें अपने बच्चे भी पालने ने। जे तुसी कल्ली कह दिओ भी सेवा ही है फिर तो सारे हिंदुस्तान च बंद कर दिओ, फिर सारे बराबर कर दिओ। मैं तुहानू दसना चाहना UP दे विच एक MLA की जिहड़ी तनखाह आ टोटल अमालूमेंट 1,98,000 है, तकरीबन 2,00,000। हिमाचल प्रदेश दे विच 1,90,000 है, राजस्थान दे विच 1,42,000 है, तेलंगाना दे विच 2,50,000 रुपये। ये कहा जाता है कि जिहड़ा MLA का स्टेटस है वह हैगा आ चीफ सैकटरी दे स्टेट दे बराबर। मैं कहना ना तुसी उस तो वध दिओ, कम से कम MLA नूं जिहड़ा चीफ सैकटरी का जिहड़ा स्टेटस है वह जरूर देना चाहिए है, उहदे नाल उहनूं उन्नी सैलरी देनी चाहिए। ये क्यों मैं कहना, सारा दिन MLA ने काम करना, उन्होंने परिवार भी नाल काम करते हैं। जे किसी MLA को चाह पिलाउण नूं पैसे नहीं होणगे तो करप्शन करेगा। यही केजरीवाल का, केजरीवाल ने किया सी आके जे उन्हां दा MLA दे कोले प्रॉपर पैसे नहीं है, रोटी चलाउण नूं पैसे नहीं है तो करप्शन करनगे। इहदे विच कोई बुराई नहीं कि MLA की तनखा वध चाहीदी है, इहदे विच कोई बुराई नहीं कि उन्हूं पेंशन भी चाहीदी है। हाँ, जिहड़ी गल मैं पहलां कही है, एक गलत आम आदमी पार्टी ने प्रचार किया कि जी जे पांच बारी MLA बन गया तो पांच पेंशन लैंदा, एक गलत है, सिर्फ इनक्रीमेंट मिलती है। इस करके ये जिहड़ा फैसला भगवंत मान ने किया इनक्रीमेंट बंद करन दा, मैं इहदे नाल सहमत नहीं हाँ। परसेंटेज घटाई वधाई जा सकती है, जिस तरह मैं DC भी रहा, मैं रिटायर होया एज एन आई एस अफसर, मेरे जिहड़े भत्ते ने उन्हां दे विच वी सरकारां द्वारा किते ना किते थोड़ा बाता महंगाई करके इनफ्लेशन करके उहदे च वी वाधा हुंदा। ते जे MLA नूं एक पेंशन मिलदी है, जे उहनूं कोई परसेंटेज महंगाई दे मुताबक वधदी है, तो इहदे च कोई नुकसान नहीं है, कोई गलत गल नहीं है। लोगों नूं भगवंत मान दे इस फैसले का विरोध करना चाहिए। सर, लगता नहीं है कि इहदे नाल वर्मांता कह रहे ने कि लोगों का फायदा होगा, क्योंकि लगभग 80 करोड़ जो है वह बचत होगी, 80 करोड़ की। सर, लेकिन करप्शन कितनी बढ़ेगी, उन्हें MLA करप्शन करेंगे, कितों चलाएंगे अपने घर MLA, जिहड़ा एक MLA आम आदमी पार्टी का बनया या दूजियां पार्टियां का MLA है, जिहदे कोले कोई बिजनेस नहीं है, कोई रिसोर्सिज नहीं है, वो अपना घर बार किदां चलाऊगा, वो किदां मुफ्त में सेवा करेगा। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हाँ। हाँ, जिहड़ा इनक्रीमेंट है पेंशन तो बाद वो घटाया जा सकता है, उहदी परसेंटेज घटाई जा सकती है, अकॉर्डिंग टू, मैं बार बार कहना अकॉर्डिंग टू महंगाई, जिवें महंगाई भत्ता मुलाजमान नूं मिलता उस दे हिसाब नाल MLA दा भी जिहड़ा इनक्रीज है महंगाई करके वो होनी चाहिए। सर, इहदा मतलब कि भगवंत मान पंजाब दे लोकां नूं ड्रामेबाजी है, कम तां करन वाला इह है, ये कहते सी असी 15,000 करोड़ रुपया एक्साइज चो रेवेन्यू, कम तो वह करन, ठीक है ना, रेते बजरी तो कहते सी असी 30,000 करोड़ रुपया वा लियावेंगे, कम तो ये करे ना जी,
ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਭੱਤਾ ਕਟਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਫੋਕੀ ਵਾਹਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਕਲਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਆਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਘਟਾਇਆ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਣਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਚਲਾਉਣ, ਇਹ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਨ, ਐਕਸਾਈਜ਼ 'ਚੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ, ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ, ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈ, ਵੈਟ ਹੈ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੌਟੰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।